मैम आपका शुभ नाम? मेरा नाम डिथ नागा जी। ओके, आप क्या करते हो मैम? मैं अभी पेंशनर हूँ। ठीक है, मेडिकल में सर्विस करती थी, मैं गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर। ओके ओके, और अभी आपका पेंशन कितना आता है मैम? आपके अकाउंट में आता है पेंशन? जी हाँ, मेरा अकाउंट में आता है। कितना आता है मैम अमाउंट? नियर अबाउट 24,000। ओके, आपके अकाउंट का आप एक बार मुझे दिखा सकते हैं आप मुझे? जी हाँ। ठीक है। अभी आप शिकायत क्या करना चाहते हो मैम? हाँ, दैट्स ओके। ठीक है, अभी आप क्या शिकायत करना चाहते हैं? हाँ एडिट मैम, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने ICICI बैंक में अपना लाइफ इंश्योरेंस एक एजेंट के द्वारा करवाया था। ठीक है, राजीव चतुर्वेदी नाम है उनका। ठीक है, उन्होंने मेरे को बेसिक पर फोन किया कि आपके हस्बैंड ने कुछ पॉलिसी करा रखी थी, okay. आपका 4,00,000 रुपया उसमें जमा है। ठीक है, और उनके बीच में डेथ हो गई तो ये ब्लॉक हो गया। ओके, और इसको हम कंटिन्यू कर सकते हो? हाँ हाँ, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। हाँ हाँ, और ऐसे ही डिपार्टमेंट में और ऐसे ही केसेस डील करता हूँ जहाँ इस प्रकार के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ठीक बात है, तो मैंने सोचा कि ठीक है मेरा पैसा ये मिला है, वो बोले कि आप पैसा भर देना ये मतलब 23 साल का। हाँ हाँ, हम फिर आपको कंटिन्यू करके और आपको पैसा हम दिलवा देंगे। ठीक बात है, तो मैं इस चक्कर में कि ये ICICI बैंक भी मतलब अच्छा रिप्यूटेड बैंक है। हाँ हाँ, तो मैंने बिलीव कर लिया। ठीक बात है, और मैंने वो पैसा देना शुरू कर दिया। हाँ हाँ, उनको हाँ हाँ, तो उनके एजेंट लोग आते थे। हाँ हाँ, और मुझसे कैश वगैरह दे जाते थे। ओके, कुछ मैंने उसमें कैश भी दिया और कभी मैंने चेक भी दिया। ठीक बात है, इस प्रकार से उन्होंने मेरे से बार बार काफी मंगाते रहे। ठीक है, कितने टोटल पॉलिसीज करी है मैम इन्होंने आपकी? टोटल मेरी 17 पॉलिसीज हैं। ओके, आपके नाम पे कितनी है मैम? मेरे नाम पर 15। ओके ओके, और आप इसके अलावा किसके नाम पर है? मेरी बेटी के नाम से है। उनके नाम पे कितनी है? तीन है। ठीक बात है, ठीक बात है। कैन यू शो द पॉलिसी बॉन्ड्स आल्सो मैम? जी, एक बार काउंट करवा देंगे मैम? 12th, ठीक है, 13th और ये 14th, 14 पॉलिसी आपके नाम की हैं, और आपके अलावा तीन पॉलिसीज आप कह रहे हैं कि बेटी के नाम पे, टोटल 17 पॉलिसीज है मतलब। ठीक है, और इनमें टोटल अमाउंट कितना अटका हुआ है मैम आपका, कितना पैसा फंसा हुआ है आपका? पैसा तो कम से कम 10 लाख। ओके, ठीक बात है। अभी आपने जब ये पॉलिसीज करी थी तो आपको उन्होंने क्या बोला था, कितनी बार आपको पैसा जमा करवाना पड़ेगा इनके अंदर में? ये पॉलिसी जब फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरे को बोला था कि वन टाइम ही आपका पैसा है। ठीक है, फिर आपको नहीं भरना है इसके बाद। ठीक है ठीक है, मैंने ये सोचा कि ठीक है ये कम्प्लीट कर रहे होंगे जो मेरा रेस्ट ऑफ रह गया पैसा। ओके, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और पॉलिसीज आती रही। हाँ हाँ, तो मैंने यही देखा कि उसमें अमाउंट पूरा है। हाँ हाँ, और इस डेट में उन्होंने रिसीव किया। ठीक है, आगे मैंने देखा नहीं। ठीक, मैम ये जब आपने पॉलिसीज कराई थी 17 पॉलिसीज, तो आपको क्या बताया गया था कि आपको कितनी बार पैसा डिपॉजिट करना है? उन्होंने बताया था कि आपको सिर्फ वन टाइम ही पैसा भरना है। ठीक है, और पैसा मिल कब जाएगा वापस सारा? बताया था 2016 तक आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो आपने फंड जमा करवाया 10 लाख रुपीज का, ये कौन सा पैसा है? ये आपके रिटायरमेंट का पैसा है? जी हाँ, मेरे रिटायरमेंट। ओके, आप जब रिटायर हुए तो आपको कितना पैसा मिला था आपको गवर्नमेंट से रिटायरमेंट बेनिफिट? 1,00,000। और आप रिटायर कब हुए थे मैम? 1999। करंटली आपकी एज कितनी है मैम? नहीं, अभी आपकी एज कितनी है? 75 years। तो ये पॉलिसीज में आपके नाम पे तो नहीं हुई है, लाइफ अशोर्ड कोई और है, मतलब लाइफ अशोर्ड आपकी बेटी को बनाया गया है। तो आप संगीता मैम आप हैं? ओके, इन सब पॉलिसीज में लाइफ अशोर्ड आप हैं मैम। सो आपको नॉलेज में था ये सब कुछ ये हो रहा है, आपके नॉलेज में था? नहीं था। ओके, इनमें पॉलिसीज में आपके सिग्नेचर्स वगैरह किए हुए हैं, वो सिग्नेचर्स आपने किए हैं? एक भी सिग्नेचर आपका नहीं है मैम? ओके, आप कभी भी प्रेजेंट नहीं थे ड्यूरिंग टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट? आप थे ही नहीं मैम। संगीता मैम कभी थे आपके साथ में जब ये इन्वेस्टमेंट हो रहा था? नहीं, वो तो सर्विस में रहती थी। ओके ओके, और आपके सिग्नेचर्स आपने चेक किए मैम?
तो अभी चेक किए, अभी चेक किए तो क्या पाया आपने मैम? मेरे सिग्नेचर नहीं है वो। ओके, एक बार आप दिखा सकते हैं मैम कौन से सिग्नेचर आपके नहीं है? ये साइन मैम जो ई नागाजी वाले हैं जी, ये साइन आपके हैं? नहीं मेरे नहीं है। आपके नहीं है? ओके, आपके सैंपल सिग्नेचर आप दिखा सकते हो एक बार? ये आपके सैंपल सिग्नेचर्स हैं, ठीक है। आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट है आपके पास में? पैन कार्ड है। पैन कार्ड है, ठीक है, मैं उस पर भी सिग्नेचर्स में देखना चाहूंगा आपके, बट ठीक है वो बाद में ले लूंगा मैं आपसे, नो इश्यूज। अभी सगीरा मैम आप भी डिनाई कर रहे हैं कि आपके कोई सिग्नेचर्स नहीं है, और एडिट मैम आप भी डिनाई कर रहे हैं कि आपके भी कोई सिग्नेचर्स नहीं है, ठीक है। आपकी एनुअल इनकम आपने बताया मैम कि 24,000 आपका समथिंग मंथली का आपका पेंशन आता है, ठीक बात है। इन फॉर्म्स में आपकी इनकम जो दिखाई गई है वो दिखाई गई है 2,00,000 रुपए से शुरू होकर 4,00,000 रुपए पे, लाइक 2012 में, दिसंबर 2012 में 2,00,000 रुपए दिखाया है और जनवरी 2013 में 4,00,000 रुपीज दिखाया है। तो आपको इसके बारे में कुछ कहना है मैम? मतलब इज दिस योर एक्चुअल इनकम, 4,00,000 रुपए इनकम है आपकी? नहीं है। नहीं है, ओके ओके। और ये फॉर्म्स आपने भरे हैं? नहीं, आपने नहीं भरे हैं, एजेंट ने भरे? ओके, आपने साइन भी नहीं किए हैं? जी। ओके ठीक है, तो एजेंट आता था वो आपसे क्या क्या लेके जाता था? वो एक तो आईडी ले जाता था। ओके, पैन कार्ड ले जाता था, ठीक है, और इसके अलावा कैश या चेक ले जाता, कैश या चेक जो भी होगा चेक ले जाता, ठीक है। इसके अलावा साइन वगैरह कहीं नहीं कराते थे? साइन नहीं कराते थे, ओके ठीक बात है, ठीक है मैम। अभी आप क्या चाहते हैं मैम कंपनी से? एडिट मैम मैं चाहती कि जो पैसा मैंने दिया है वो मुझे वापस दो।